हाय हेलो फ्रेंड, मैं हूं हेमंत शर्मा। आपका स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पेपर हाइट पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट टू। ठीक है, प्रैक्टिस सेट टू लेके आए हैं दोस्तों, आर्मी का है। ठीक है, आर्मी का जो है ट्रेड्समैन का पेपर है और ट्रेड्समैन के पेपर में सेट टू है ये। ठीक है, तो इस सेट टू में हम देखेंगे आपके लिए जो जीके और जीएस के जो क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, वो आपके कंप्लीट कराने वाले हैं। 35 क्वेश्चन है। ठीक है, 35 क्वेश्चन है, तो इनमें से कुछ जीके के हैं और कुछ जीएस के भी हैं। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे इसमें जो क्वेश्चन है उनके बारे में बताएंगे। तो आप कृपया करके इसको जरूर देखें, पूरी वीडियो देखें, लास्ट तक देखें दोस्तों, कि वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें एक बात और बता दें दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, अगर आप आर्मी ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, पर डे आपकी क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आज जरूर देखें इस क्लास को, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करें, जो कि हमारी आने वाली वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखेंगे इसमें हमारा क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट हमारा कौन सा हो गया, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। ठीक है, कौन सा है, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। ठीक है, वो सॉरी सेकंड। ठीक है, प्रैक्टिस सेट सेकंड है ये। अब इस प्रैक्टिस सेट सेकंड में देखेंगे हमारे क्वेश्चन से कुछ दिए हुए हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। ठीक है, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो इसके बारे में हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। तो इसमें देखेंगे, इसमें जो हमारा प्रथम स्वतंत्र यानी कि प्रथम स्वतंत्र संग्राम जो हुआ था वो कौन से सन हुआ था, तो 10 मई 1857 में हुआ था। कब हुआ था, 10 मई 1857 में हुआ था। ठीक है, और कहां हुआ था, भारत में ही हुआ था। ठीक है, भारत में हुआ था। इसको जो है स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह या फिर भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह कामा सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है विजय स्तंभ कहां पर स्थित है। ठीक है, तो विजय स्तंभ जो है वो कहां पर स्थित है, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, विजय स्तंभ कहां पर स्थित है। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ हमारा राइट आंसर रहेगा। और ये जो है चित्तौड़गढ़ कहां पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, कहां पड़ता है, राजस्थान में, राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान कौन से देश में है, भारत में है। ठीक है, राजस्थान कौन से देश में है, भारत में है। और ये राजस्थान प्रदेश में पड़ता है, कौन सा शहर, चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ पड़ता है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, अगर इसकी बात करें कि ये बना कब था, ठीक है, ये जो है विजय स्तंभ जो है वो कब बना था, तो ये सन 1440 से, ठीक है, सन 1440 से सन 1448 के बीच में बना था। ठीक है, कब बना था, ये सन 1440 से 1448 के मध्य इसके बीच में बनाया गया था ये। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, ठीक है, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 122 फुट होती है। ठीक है, कितनी होती है, 122 फुट होती है। अगर हम इसकी मंजिल की बात करें, ये कितने मंजिल था, ठीक है, तो ये कितने मंजिल था, ये 9 मंजिल था। ठीक है, कितने था, 9 मंजिल था, ये कितने था, 9 मंजिल था। अगर हम इसकी बात करें चौड़ाई की, ठीक है, अगर हम इसकी चौड़ाई की भी बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है, अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई होती है 30 फुट। ठीक है, कितनी थी, 30 फुट चौड़ाई है। ठीक है, तो इसके बारे में सभी चीज आपको पता चल गई है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला है। ठीक है, विजय स्तंभ कहां पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कहां स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और चित्तौड़गढ़ कहां है, राजस्थान प्रदेश के भारत यानी कि राजस्थान प्रदेश में स्थित है, जो कि भारत में है। ठीक है, राजस्थान कहां है, भारत में है, भारत का राज्य पड़ता है राजस्थान। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 24 अक्टूबर सन 1945 में। ठीक है, कब की गई थी, 24 अक्टूबर। ठीक है,
24 अक्टूबर, ठीक है, सन 1945 में की गई थी। ठीक है, अब ये इसकी मैं बात करें कि ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो इतने में की गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो है कैसे पार हुआ था, तो ये जो है 50 यानी कि 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ जो है ये इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी होती हैं, तो अरबी, फारसी, चीनी, ठीक है, ये सभी इनकी भाषाएं होती है। ठीक है, अगर हम बात करें मुख्यालय की, ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, तो इसको मुख्यालय जो है मैनहट्टन, ठीक है, मैनहट्टन टापू में है, न्यूयॉर्क नगर में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य में है। ठीक है, तो ये सभी है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान की राजधानी। ठीक है, ईरान की, ईरान की राजधानी क्या है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग देखेंगे कि ईरान की राजधानी कहाँ है, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो इसमें देखेंगे हम ईरान की राजधानी, ठीक है, तो ईरान की राजधानी क्या है, ईरान की राजधानी तेहरान पड़ती है। क्या पड़ती है, ईरान की राजधानी तेहरान पड़ती है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें कि ईरान का पूरा नाम क्या था, ठीक है, अगर हम ईरान का पूरा नाम पाएं, ठीक है, तो इसका नाम क्या था, जमहूरिये तेहरान। ठीक है, जमहूरिये इस्लामिये ईरान। ठीक है, जमहूरिये इस्लामिये ईरान, ठीक है, ये इसका पूरा नाम था। ठीक है, क्या नाम था, पूरा नाम, पूरा नाम था इसका। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनका प्रमुख धर्म कौन सा था, ठीक है, यहां का प्रमुख धर्म कौन सा था, तो वो कौन सा धर्म था, इस्लाम धर्म। ठीक है, कौन सा था, इस्लाम धर्म था इनका। ठीक है, अगर हम बात करें इनके क्षेत्र की, ठीक है, तो इनका क्षेत्र कौन था, कौन सा था, सिया सुन्नी। ठीक है, कौन सा था, सिया सुन्नी, सॉरी सिया सुन्नी, सिया सुन्नी होगा। ठीक है, सिया सिया बाहुल्य होगा। ठीक है, सिया बाहुल्य, ठीक है, ये होगा। ठीक है, अगला अगर हम बात करें कि इनकी भाषाएं कौन सी थी, ठीक है, तो इनकी कौन सी, फारसी भाषा थी, कौन सी थी, फारसी भाषा थी। ठीक है, क्या थी, फारसी भाषा थी। ठीक है, तो ये सब हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया सभी का, सभी बच्चों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच है। ठीक है, सॉरी मैकमोहन, ठीक है, मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच है, तो इसमें अगर हम बात करें कि मैकमोहन लाइन जो है किन देशों के बीच है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा हमारा। तो देखेंगे इसमें जो मैकमोहन लाइन है वो किन देशों के बीच पड़ती है, वो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट रहेगा। ठीक है, भारत और चीन, ठीक है, भारत और चीन के बीच में, ठीक है, क्या रहेगा, भारत और चीन के बीच में पड़ती है। ठीक है, अगर हम भारत और चीन को कह सकते हैं, या चीन को तिब्बत भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, तिब्बत भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको तिब्बत भी कह सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि इस रेखा का नाम जो है वो कैसे पड़ा था, तो हेनरी मैकमोहन के नाम से जो है इस रेखा का नाम पड़ा था। ठीक है, हेनरी मैकमोहन के नाम से इस रेखा का नाम पड़ा था। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, किन के नाम पे पड़ा था, हेनरी मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन के नाम पर जो है क्या पड़ा था, मैकमोहन लाइन का नाम पड़ा था। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत एक खोज किताब किसने लिखी। ठीक है, भारत एक खोज किताब किसने लिखी थी, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। तो देखेंगे ये जो है ये किताब किसने लिखी थी, भारत एक खोज किताब किसने लिखी,
तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, ठीक है, भारत एक खोज किताब किसने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, ठीक है। इसकी रचना जो है वो सन 1944 में, ठीक है, कितने में हुई थी, सन 1944 में, 1944 में, ठीक है, 1944 में हुई थी। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें कि ये जो है, ये किताब जो है वो पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित हुई थी, ठीक है, कब कब प्रकाशित हुई थी, तो पुस्तक के रूप में ये किताब जो है सन 1946 में प्रकाशित हुई थी, 1946 में ये किताब प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, ठीक है, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें, इसमें कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। और सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनका जन्म जो है वो कब हुआ था, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था, कब हुआ था, 23 जनवरी सन 1857, ठीक है, सन 1897 में इनका जन्म हुआ था। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु जो हुई थी इनकी वो 18 अगस्त सन 1945 में हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, 18 अगस्त 1945, ठीक है, 18 अगस्त 1945 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर हम बात करें इनकी शिक्षा की, ठीक है, तो इन्होंने, इनकी शिक्षा क्या थी, शिक्षा इनकी क्या थी, ये बीए थे, ठीक है, बीए ऑनर्स, ठीक है, बीए ऑनर्स थे, कहां से थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय से, कहां से थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय से थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय, ठीक है, कहां से थे, बीए ऑनर्स से थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय से थे। अगर हम इनकी पार्टी की बात करें कि ये कौन सी पार्टी से थे, ठीक है ना, तो राजनीतिक पार्टी इनकी क्या थी, राजनीतिक पार्टी जो थी, सॉरी, राजनीतिक पार्टी जो थी वो इनकी क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ये किससे, कौन सी पार्टी से थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे, सन 1921 से 1940 तक रहे थे, ठीक है, कब तक रहे थे, सन 1921 से 1940 तक रहे थे, ठीक है, 1921 से 1940 तक रहे थे, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया, वाराणसी नदी, तो सॉरी, वाराणसी किस नदी पर स्थित है, तो वाराणसी किस नदी पर स्थित है, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो इसमें देखेंगे, इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा भाई क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, गंगा नदी, ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें गंगा नदी की, ठीक है, तो गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, ठीक है, सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी भारत की, किसकी, भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, ठीक है, गंगा नदी। अगर हम गंगा नदी की लंबाई की बात करें, यानी कि ये कितनी लंबी है, तो ये 2525 किलोमीटर, ठीक है, कितनी है, ये 2525 किलोमीटर की लंबी है, ठीक है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें,
तो 3892, ठीक है 3892 मीटर ऊंचाई की बात करें इसकी, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 3892 मीटर ऊंची है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि ये उद्गम कहां से होती है, ठीक है, निकलती कहां से है, तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहां से निकलती है, उद्गम इसका कहां से होता है, उद्गम होता है गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद, ठीक है, गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। अगर हम बात करें इसकी कि ये गिरती कहां पर है, ठीक है, तो ये गिरती कहां पर है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कि बांग्लादेश कह सकते हैं, बांग्लादेश से होके जाती है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि वेद कितने हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेद कितने हैं, तो वेद कितने हैं ये सभी लोग बताएंगे, सभी को पता होना चाहिए, जितने हिंदू धर्म के बच्चे हैं वो तो सभी जानते होंगे कि वेद कितने हैं, ठीक है, तो सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें कि वेद कितने हैं, ठीक है, तो इसमें हम देख लेंगे, हमारा जो ऑप्शन रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपको सभी को पता होना चाहिए वेद जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। अब पहले बता दें कि वेद, ठीक है, तो वेद जो होता है, वेद का अर्थ क्या होता है, वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, ठीक है, वेद का अर्थ क्या होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अब कह रहा है कि ये चार प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, पहला कौन सा हो जाएगा, पहला तो हो गया ऋग्वेद, ठीक है, अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा होता है, सामवेद, ठीक है, तीसरा कौन सा होता है, यजुर्वेद, ठीक है, तीसरा कौन सा है, यजुर्वेद, और चौथा कौन सा होता है, अथर्ववेद, ठीक है, चौथा कौन सा होता है, अथर्ववेद, ठीक है। तो सभी को पता होना चाहिए कि चार वेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अर्थ का क्या होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है, इसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है, पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। अब हम बात करें कि सबसे पहला वेद कौन सा होता है, ठीक है, तो सबसे पहला वेद कौन सा होता है, ऋग्वेद, ठीक है, सबसे पहला वेद है ये, सबसे पहला वेद, सबसे पहला वेद माना जाता है ऋग्वेद, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि 10 मंडल कह सकते हैं या अध्याय भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, इसमें 10 अध्याय कामा 1028, ठीक है, 1028 सूक्तियों को रखा गया, सूक्तियां हैं, ठीक है, कामा 1028 सूक्तियां, ठीक है, तो ऐसे ही इनके भी बारे में है, वो डिटेल से आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत में पहली रेल कब चली, भारत में पहली रेल कब चली थी, तो कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1853। आप कह सकते हैं ये जो है पहली ट्रेन यानी कि पहली रेल कब चली थी, तो 16 अप्रैल सन 1853 में चली थी, कब चली थी, 16 अप्रैल सन 1853 में चली थी, ठीक है। अब किसके बीच चली थी, तो मुंबई और ठाणे के बीच, ठीक है, किसके बीच चली थी,
किसके बीच चली थी? मुंबई और थाने के बीच, ठीक है। दूरी कितनी तय करी थी उन्होंने, इस ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी थी? तय दूरी जो थी वो कुल कितनी थी? 34 किलोमीटर की थी, ठीक है। कितनी दूरी तय करी थी इसने? 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी, जिसमें सवारी जो थी, यात्री जो थे, वो कितने थे? 400 यात्री, ठीक है। कितने थे? कुल 400 यात्री थे। अगर हम डिब्बों की संख्या की बात करें कि ये डिब्बे कितने थे ट्रेन में, तो ट्रेन में कुल 20 डिब्बे, ठीक है। कितने डिब्बों की ट्रेन ही थी? 20 डिब्बे की ट्रेन थी, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान की मुद्रा क्या है, ठीक है। तो जापान की मुद्रा क्या है, तो इसमें सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा। सभी बच्चे बताते रहेंगे जल्दी जल्दी कि कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो इसमें देखेंगे हम कि जापान की मुद्रा क्या थी, ठीक है। तो जापान की मुद्रा क्या है? तो जापानी, जापान की मुद्रा जो है वो क्या है? वो जापानी येन, ठीक है। कौन सी येन? जापानी येन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट रहेगा, ठीक है। येन हमारा राइट आंसर रहेगा, जापानी येन, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी बैंक जो है वो कहाँ है, ठीक है, और बैंक का क्या नाम है, तो बैंक ऑफ जापान, ठीक है। क्या है? बैंक ऑफ जापान, ठीक है। तो ये जो है ये केंद्रीय बैंक है, ठीक है। कौन सी बैंक है? केंद्रीय बैंक कह सकते हैं इसको, केंद्रीय बैंक, ठीक है। तो केंद्रीय बैंक इसकी क्या है? बैंक ऑफ जापान, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें, और एक बात और भी है, ये अमेरिकी डॉलर के बाद, ठीक है, अमेरिकी और यूरो के बाद में ये जो मार्केट में है, ठीक है, विदेशी मार्केट में जो है थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। कौन से पे आता है? थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड सबसे बड़ी मुद्रा है ये, ठीक है, जापान की, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा इसमें। तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है, तो देखेंगे इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 13 अप्रैल सन 1919, ठीक है। तो 13 अप्रैल सन 1919 जो है इस तारीख को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये किस जगह हुआ था, ठीक है, तो भारत के पंजाब में, ठीक है, भारत के पंजाब प्रांत में अमृतसर में हुआ था, ठीक है। किस में हुआ था? अमृतसर में। कहां हुआ था बात करें हम, कहां हुआ? कहां हुआ था? तो ये पंजाब के, ठीक है, पंजाब यानी कि भारत के पंजाब में, भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर, अमृतसर में, ठीक है। कहां हुआ था? अमृतसर में हुआ था, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था। क्या किया गया था? रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ, ठीक है। रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था, ठीक है। अगर हम बताएं इसमें
मरने वालों की संख्या कितनी थी, तो मरने वालों की संख्या 400 से काफी अधिक थी, ठीक है, मरने वालों की संख्या, मरने वालों की संख्या क्या थी, 400 से अधिक थी, ठीक है। अगर हम बात करें घायलों की संख्या, ठीक है, तो घायल कितने थे, घायलों की संख्या की बात करें तो घायल कितने थे, 2000 से अधिक थे, कितने थे, 2000 से अधिक थे, ठीक है। अगर हम बात करें कि इस पे गोली किसने चलवाई, ठीक है ना, कि जलियांवाला बाग का जब हत्याकांड हुआ था तो इस समय गोली किसने चलवाई थी, ठीक है, तो ये जो था ये ब्रिटिश का, ठीक है, ब्रिटिश का एक था जनरल डायर, ठीक है, किसने चलवाई थी, जनरल डायर, किसने चलवाई थी, जनरल डायर ने चलवाई थी, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें कि इसमें अपराधी लोग कौन थे जिन्होंने गोली चलवाई थी, तो ब्रिटिश भारतीय दल के किसके थे, ब्रिटिश भारतीय दल के थे, ठीक है, ब्रिटिश भारतीय दल के लोग थे जिन्होंने गोली चलवाई थी, ठीक है, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन था, ठीक है। तो अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा बोलते हैं, ठीक है, तो किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा बोलते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा, इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा, हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, इसमें बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वही क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, शुक्र, शुक्र ग्रह जो है इसको क्या कहते हैं, सुबह और शाम का तारा कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यह सूर्य से सबसे निकट दूसरा ग्रह, ठीक है, यानी कि दूसरा सबसे निकट ग्रह है ये सूर्य, बात करें हम शुक्र की, यह सूर्य से दूसरा निकट ग्रह, ठीक है, यह सूर्य से दूसरा सबसे निकट ग्रह है, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा, भाई दिलीप ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा वही क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट हमारा राइट आंसर रहेगा, क्रिकेट हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगर हम क्रिकेट के बारे में बात करें तो क्रिकेट जो है वो सबसे पहले किस देश से विकसित हुआ था, तो सबसे पहले इंग्लैंड से हुआ था, ठीक है, कहां से हुआ था, इसकी स्थापना जो थी वो सबसे पहले कहां हुई थी, स्थापना जो थी वो कहां हुई थी, इंग्लैंड में, सबसे पहले इंग्लैंड में खेला जाता था, ठीक है, इंग्लैंड के बाद में और सभी देशों में पहुंचा, ठीक है। अगर हम बात करें दिलीप ट्रॉफी की, ठीक है, अगर हम दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो दिलीप ट्रॉफी जो है वो क्या है, भारत की, ठीक है, भारत की एक घरेलू अपनी प्रतियोगिता है, ठीक है, भारत की एक घरेलू प्रतियोगिता है, यह भारत की एक घरेलू प्रतियोगिता है, अपनी प्रतियोगिता है, ठीक है। अगर हम बात करें पहला टूर्नामेंट, ठीक है, अगर क्रिकेट के बारे में बात करें तो क्रिकेट का पहला टूर्नामेंट जो है सन 1961 में और 1962, ठीक है, अगर हम इसके टूर्नामेंट की बात करें, सॉरी पहला टूर्नामेंट, पहले टूर्नामेंट की बात करें तो सन
1961-62 सन 1961-62 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? सन 1961-62 में हुआ था। और अगर अंतिम टूर्नामेंट की बात करें, अंतिम, ठीक है, और अंतिम टूर्नामेंट की बात करें तो सन 2019-20 में हुआ, ठीक है, सन 2019-20 में हुआ था, ठीक है। अगर इसमें टीमों की संख्या की बात करें कि इसमें कितनी टीमें भाग लेती हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा टीमों की संख्या, तो टीम कितनी भाग लेती है, तीन टीमें भाग लेती हैं, ठीक है, तीन देशों की टीमें भाग लेती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें वर्तमान में चैंपियन कौन है, ठीक है, अगर वर्तमान के चैंपियन की बात करें तो इस वर्तमान में चैंपियन जो है वो कौन है, अगर हम वर्तमान चैंपियन की बात करें तो वर्तमान चैंपियन कौन है इसमें, इंडिया, ठीक है, कौन है, इंडिया जो है वो वर्तमान चैंपियन है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, तो कौन सा पुरस्कार है जो दिया जाता है वीरता के लिए, कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, परमवीर चक्र, ठीक है, तो परमवीर चक्र दिया जाता है वीरता के लिए, ठीक है। तो दिया है कि सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार, तो सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार क्या हो गया, परमवीर चक्र। अब ये परमवीर चक्र जो है वो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी सन 1950 में हुई थी, ठीक है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना की बात करें तो ये कब हुई थी, 26 जनवरी 1950, ठीक है, कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 में हुई थी, ठीक है। अगर हम देश की बात करें कि ये कौन से देश में दिया जाता है, तो ये देश की बात हो गई तो ये हमारे भारत देश में दिया जाता है, ठीक है, कहां दिया जाता है, भारत में दिया जाता है, ठीक है, किस कारण दिया जाता है, ठीक है, किसके लिए दिया जाता है, देने का कारण क्या है इसका, ठीक है, तो कारण क्या है, तो इसका कारण ये है, ये बहादुरी के लिए दिया जाता है, ठीक है, कह सकते हैं हम बहादुरी के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है, तो कह देंगे बहादुरी कामा वीरता, बहादुरी कामा वीरता के लिए दिया जाता है, ठीक है। अगर हम इसके बात करें कि पात्रता, इसके पात्रता कौन कौन से लोग हो सकते हैं, कौन कौन से पद हो सकते हैं, तो पात्रता जो है तो हम कह सकते हैं सेना, ठीक है, जल सेना, ठीक है, वायु सेना, ठीक है, कामा टीए, जिसको हम कह सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है, तो इनमें दिया जा सकता है, ठीक है, और बाकी और मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है स्क्रीन पे, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी, तो सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा, हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर रहेगा भाई क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट रहेगा, सन 1951, ठीक है, सन 1951 हमारा राइट आंसर रहेगा। अब हम बता दें आपको, ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है वो सिर्फ किसके लिए होती है, महिलाओं के लिए होती है, ठीक है, किनके लिए होती है, महिलाओं के लिए आयोजित की जाती है ये प्रतियोगिता, ठीक है, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए आयोजित होती है, ठीक है, ये प्रतियोगिता जो है ये महिलाओं के लिए दी जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें जो है इंडिया की पहली, ठीक है, इंडिया की पहली विजेता कौन है,
ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत की पहली विजेता, अगर हम बात करें कि भारत की पहली विजेता कौन, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, रीता फारिया, क्या आएगा, रीता फारिया जो थी ये भारत की पहली, ठीक है, भारत की पहली विजेता थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब जीता था, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, अगर हम इसमें बात करें कि अंतिम विजेता, ठीक है, अगर हम इसमें बात करें कि अंतिम विजेता हमारी कौन थी, तो हम अंतिम विजेता की बात करेंगे, अगर हम इसमें अंतिम विजेता की बात करें तो अंतिम विजेता कौन थी, मानसा, ठीक है, कौन थी, मानसा थी, जो कि वाराणसी की रहने वाली थी, कहां की रहने वाली थी, जो कि वाराणसी की रहने वाली थी, ठीक है, मानसा जो थी वो वाराणसी की रहने वाली थी, ठीक है। इन्होंने, रीता फारिया ने 21 वर्ष की उम्र में, कितनी, 21 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने, रीता फारिया ने भारत रत्न यानी कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब जीता था 21 वर्ष की उम्र में, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है, इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, सभी लोग, तो इसमें देखेंगे, इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है, जेनेवा, ठीक है, जेनेवा जो है वो कौन से देश में पड़ता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, कौन से में, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये कौन से में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है, जेनेवा। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 में हुई थी, कब हुई थी, 1948, ठीक है, 7 अप्रैल सन 1948 में हुई थी। अगर हम बात करें कि इसके महानिदेशक, ठीक है, इसके नए महानिदेशक कौन है, अगर नए महानिदेशक की बात करें हम तो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम, ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम। अगर हम इस समय बात करें कि इसकी जो संस्था है वो हमारे हिंदुस्तान में भी है, ठीक है, कहाँ है, हिंदुस्तान में भी है, जिसको WHO का सदस्य देश भी माना जाता है, ठीक है, कह सकते हैं भारत को WHO कह सकते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का सदस्य देश भी माना जाता है, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वो कहां है, भारत का, ठीक है, भारत के WHO का मुख्यालय कहां है, तो वो है राजधानी दिल्ली में, कहां है, यहां भारत की राजधानी है दिल्ली, वहीं है, ठीक है, दिल्ली में है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम, ठीक है, तो सीपीयू का पूरा नाम है, सीपीयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन रहेगा, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, सभी बच्चे बताएंगे,
तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हमारा रहने वाला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये हमारा राइट जो है रहने वाला है सीपीयू का पूरा नाम। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है, अगर हम इसके मुख्य कार्य की बात करें, अगर हम इसके मुख्य कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, सूचना एकत्र करना होता है। ठीक है, क्या होता है, सूचना एकत्र करना। ठीक है, इसका मुख्य कार्य जो होता है वो सूचना एकत्र करना होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा, भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बाघ। ठीक है, बाघ रहेगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बाघ, ठीक है, तो बाघ परियोजना जो थी वो, बाघ परियोजना जो थी वो कब लागू हुई, अगर हम बात करें बाघ परियोजना की, ठीक है, अगर हम बात करें बाघ परियोजना की तो ये कब लागू हुई थी, तो अप्रैल 1973 से शुरू हुई थी, कब हुई थी, अप्रैल 1973 से शुरू हुई, कब से शुरू हुई थी, अप्रैल 1973 से ये परियोजना शुरू हुई थी। अगर हम इसमें बात करें कि बाघ की प्रजाति, ठीक है, अगर हम बाघ की प्रजाति की बात करें तो बच्चों कौन सी प्रजाति आएगी इसमें, इसमें कौन सी प्रजाति आएगी, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर ये इसकी प्रजाति हुई। ठीक है, अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो जल्दी से बताएंगे कौन सा है, जल्दी से सभी लोग बता देंगे फटाक से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें। तो इसमें देखेंगे जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ठीक है, ये जो है आकार में और जनसंख्या में सबसे बड़ा है। ठीक है, आकार और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, कह सकते हैं हम आकार तथा जनसंख्या, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला अगर हम बात करें इसमें कि ये स्थित कहां पर है, ठीक है, ये कहां पर स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा सामान्य विज्ञान का। ठीक है, अब यहां से सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपके 20 क्वेश्चन जो थे वो जीके के हो गए। ठीक है, अब जो है अब सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आए हैं आपके लिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आपको इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, आप सिर्फ इसको देखिएगा। ठीक है, आप सिर्फ इसको देखिएगा अगर आपको आर्मी ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है, आर्मी ट्रेड्समैन के लिए
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिएगा और आर्मी वाले सभी स्टूडेंट देखिए क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, ठीक है। तो इसमें देखेंगे दिया है, पहला दिया है कौन सा लेंस मायोपिया को दूर करने के लिए होता है, ठीक है, तो कौन सा लेंस होता है मायोपिया को दूर करने के लिए, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें हमारा, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, ये तो इंग्लिश का वर्ड हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो हम इसको हिंदी में कहते हैं अवतल लेंस, क्या कहते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस की पहचान क्या होती है, पहचान की बात करें हम तो ये जो है बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता, ठीक है, बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये किस दृष्टि दोष के लिए लगाया जाता है, ठीक है, अगर हम बात करें कि ये किस दृष्टि दोष के लिए लगाया जाता है अवतल लेंस, तो अवतल लेंस जो होता है वो किसके लिए लगाया जाता है, निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए लगाया जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगर हम इसके प्रतिबिंब की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके प्रतिबिंब की बात करें तो ये वास्तविक कामा आभासी, ठीक है, वास्तविक कामा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया तो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। अगर आप पानी में कोई चीज डालेंगे, मान लिया आपने सिक्का डाला पानी में, ठीक है, तो पानी में सिक्का डालने पर ऐसा लगता है कि ये ऊपर की ओर प्रतीत होता है, ठीक है, ऊपर की ओर लगता है कि ये ऊपर की ओर आ रहा है, आ गया है, ठीक है, तो ऐसा प्रतीत क्यों होता है, बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे। तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो देखेंगे इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है एम्पियर किसकी इकाई है, ठीक है, तो एम्पियर किसकी इकाई है ये बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, एम्पियर किसकी इकाई है, तो इसमें देखेंगे हमारा जो आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है, विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा भी कह सकते हैं इसको, हम क्या कह सकते हैं, विद्युत धारा या विद्युत प्रवाह कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको देखें इसका एम्पियर, ठीक है, ये जो एम्पियर है, एम्पियर नाम जो है वो किसके नाम पर पड़ा, किसके नाम पर पड़ा, ठीक है, एम्पियर नाम जो है वो किसके नाम पर पड़ा, तो एक वैज्ञानिक थे आंद्रे मैरी एम्पियर, ठीक है, कौन से थे वैज्ञानिक, आंद्रे मैरी एम्पियर, आंद्रे मैरी एम्पियर, इनके नाम पर क्या है, एम्पियर का नाम पड़ा, ठीक है, इन्होंने क्या किया, विद्युत चुंबक को खोजते हुए, ठीक है, क्या करा, इन्होंने एम्पियर को नाम दिया, ठीक है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वाट ठीक है, एक वाट ये नहीं है ठीक है, एक वाट घंटा बराबर होता है, एक वाट घंटा बराबर होता है तो कितना होता है एक वाट घंटा बराबर, कौन सा ऑप्शन रहेगा, कौन सा ऑप्शन रहेगा एक वाट घंटा बराबर। तो इसमें देखेंगे हमारे जो ऑप्शन रहेगा, जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 3600 ठीक है, 3600 जूल रहेगा ठीक है, 3600 जूल ठीक है, ना कि वाट, 3600 जूल हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है। अगर हम बात करें वाट की, तो वाट जो है वो क्या है, ऊर्जा की इकाई, वाट क्या है ऊर्जा की इकाई है ठीक है। अगर हम बात करें कि 3600 जूल ठीक है, तो हम बात करेंगे ये जो हो जाएगा, निकालते हैं हम, अगर हम निकालें तो जूल बराबर वाट गुणे घंटा ठीक है। अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो जूल हमें जूल में आना, जूल में आता है आंसर ठीक है, हमें पता है, तो हम अगर जूल निकालेंगे, वैसे इसका सूत्र क्या होगा, अगर हम निकालेंगे तो इसका सूत्र क्या होगा, तो P बराबर W बटा T से निकालेंगे, किससे निकालेंगे, P बराबर W बटा T से निकालेंगे हम ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, अब हम इसको क्या कर लेंगे, W निकालेंगे हम, W बराबर P इंटू टी, W बराबर P इंटू टी, फिर क्या हो जाएगा, जूल बराबर वाट इंटू घंटा, तो जूल हमारा क्या है ज्ञात करना है ठीक है, वाट हमारा यानी कि एक वाट, तो एक वाट हो गया ठीक है, इंटू घंटा, तो घंटा तो एक घंटा हो गया ना, एक वाट घंटा बराबर ठीक है, तो एक वाट घंटा, तो एक घंटा हो गया ठीक है, एक घंटा हो गया, तो एक वाट तो एक ही रहा इंटू घंटा, एक घंटा में कितने सेकंड होते हैं, एक घंटा में 3600 सेकंड होते हैं, कितने होते हैं 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 की एक से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3600 आ गया, 3600 वाट घंटा ठीक है, वाट घंटा, अब 3600 वाट घंटा, अब वाट घंटा का जो है मात्रक क्या होता है, जूल ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3600 जूल ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा ठीक है, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा 3600 जूल ठीक है, राइट आंसर होगा ये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा रहने वाला है, इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है, चार्ल्स बैबेज ने किया था, और कब किया था, सन 1830 में, सन 1830 में आविष्कार किया था ठीक है, और इन्हें दुनिया का सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है ठीक है, कंप्यूटर माना जाता है ठीक है, इन्हें दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है ठीक है। अगला अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कौन सा चुंबक अस्थाई है, कौन सा चुंबक अस्थाई है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, तो देखेंगे इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वही क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है ठीक है, इलेक्ट्रिक चुंबक, या हम कह सकते हैं विद्युत चुंबक ठीक है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, या इसको हम विद्युत चुंबक भी कह सकते हैं ठीक है, इलेक्ट्रिक चुंबक या विद्युत चुंबक भी कह सकते हैं, ये वह पदार्थ है जो चुंबकीय उत्पन्न करता है ठीक है, क्या करता है, चुंबकत्व उत्पन्न करता है ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है, ठीक है। तो सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है, तो इसमें देखेंगे सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है। तो देखेंगे सोडियम का रासायनिक संकेत जो होता है वो क्या होता है, एन, ठीक है, क्या होता है, एन होता है, ऑप्शन नंबर ए एन, ठीक है। अगर हम इसके परमाणु संख्या की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या इसमें कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है, परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है, और इसकी रासायनिक श्रृंखला, अगर हम रासायनिक श्रृंखला की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके रासायनिक श्रृंखला की बात करें तो कैसी होती है, क्षार धातु होती है, रासायनिक श्रृंखला क्या होती है, क्षार धातु होती है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है प्रकाश की गति क्या, प्रकाश की गति क्या है, तो सभी लोग बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा कि प्रकाश की गति क्या है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हमारा जो ऑप्शन रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा भाई क्या रहने वाला है दोस्तों, जल्दी से बच्चों बताओगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, तो देखेंगे हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगला अगर हम इसमें देखें कि निर्वात में इसका सटीक मान कितना होता है, ठीक है, अगर हम इसमें देखें कि निर्वात में इसका सटीक मान कितना होता है, तो इसका होता है 29,97,94,000, ठीक है, कितना होता है, 94,454, ठीक है, सॉरी यहां 92 होगा, ठीक है, 92, ठीक है, क्या होगा, 29,97,92,454, ठीक है, ये होगा, ठीक है। और बाकी तो मीटर प्रति सेकंड आएगा ही, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये होता है इसका, ठीक है, निर्वात में, इसमें निर्वात का सटीक मान, निर्वात का मान कितना होता है, 29,97,92,454 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, तो आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है, कितना मान होता है इसका, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ध्वनि का वेग है 0°C, ध्वनि का वेग है 0°C पर कितना होता है, तो सभी लोग बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, तो इसमें देखेंगे हमारा जो ऑप्शन रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, क्या रहेगा, 332 मीटर प्रति सेकंड हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें इसके वेग की, ठीक है, तो वेग का इसका सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र क्या होता है, तो बताएंगे आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्युत प्रवाह किस में मापते हैं, विद्युत प्रवाह, ठीक है, तो विद्युत प्रवाह किसमें मापते हैं, कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, राइट आंसर कौन सा रहेगा इसमें, सभी बच्चे बताएंगे, तो देखेंगे इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहने वाला है, एमीटर, ठीक है, एमीटर हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगर हम इसमें
इसके प्रतीक की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके सामान्य प्रतीक की बात करें तो सामान्य प्रतीक जो होता है वो इसका क्या होता है, अगर हम इसके प्रतीक की बात करें तो प्रतीक होता है आयु, ठीक है, क्या होता है, एमीटर का प्रतीक आयु होता है। अगर हम इसके एसआई मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक की बात करें तो क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य के निकटतम ग्रह हैं, सूर्य के निकटतम ग्रह है तो कौन सा ग्रह है जो सूर्य के निकटतम है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग बताएंगे कौन सा ग्रह है जो सूर्य के निकटतम है। तो देखेंगे इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा, जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बुध ग्रह। बुध ग्रह है जो कि सबसे निकट है सूर्य के। अगर हम इसके परिक्रमण काल की बात करें, परिक्रमण काल या परिक्रमण समय भी कह सकते हैं, परिक्रमण काल की बात करें कि ये परिक्रमा कितने समय में करता है, तो ये कितने में करता है, 88 दिनों में परिक्रमा को पूरा करता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगर संवाहक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है हमारा, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। तो देखेंगे इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 2 गुना हो जाए, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। लिखा है कि अगर संवाहक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात करें, किसके, प्रतिरोध के, ठीक है, अगर हम प्रतिरोध के विमीय सूत्र की बात करें, ठीक है, तो ML 2 T माइनस 2 A माइनस 1 सॉरी A माइनस ये होगा, क्या होगा, ये होगा इसका, ठीक है, यहां 3 आएगा, ठीक है, तो ML 2 T माइनस 3 और 2 माइनस A माइनस 2, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है, विमीय सूत्र का हो गया। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, रतौंधी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसमें सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा, रतौंधी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। हम बताएं इसमें देखेंगे इसका जो विटामिन ए का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, अगर हम विटामिन ए के स्रोत की बात करें तो इसमें क्या होता है, हरी सब्जी, हरी सब्जियां आती हैं, कामा फल आते हैं, ऐसी काफी चीजें आती हैं, ईटीसी लिख दो, ईटीसी यानी कि और भी चीजें आती हैं, ठीक है। अगर हम विटामिन की खोज की बात करें, तो इसके विटामिन ए की खोज किसने करी, तो विटामिन ए की खोज मैकुलन ने करी थी, किसने करी थी, मैकुलन ने करी थी, ठीक है। अगर हम विटामिन सी की बात करें, ठीक है, अगर हम विटामिन बी की बात करें कि विटामिन बी की खोज किसने करी थी, तो विटामिन बी की भी मैकुलन ने करी थी, किसने करी थी, मैकुलन ने करी थी। अगर हम विटामिन सी की बात करें, ठीक है, तो विटामिन सी की खोज किसने करी थी, होलकट, किसने करी थी, होलकट नामक वैज्ञानिक थे,
उन्होंने करी थी। अगर हम विटामिन डी की बात करें, अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की किसने करी थी? विटामिन डी की हॉकिंग ने करी थी। किसने करी थी? हॉकिंग ने करी थी। विटामिन डी की खोज किसने करी थी? हॉकिंग ने। हॉकिंग ने करी थी। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा? सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसमें देखेंगे हमारा जो रासायनिक सूत्र होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, H2SO4। ठीक है, H2SO4 हमारा जो है क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ठीक है, अगर हम यहां पर इसके मोलर द्रव्यमान की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके मोलर द्रव्यमान की बात करें तो क्या हो जाएगा? अगर हम इसके मोलर द्रव्यमान की बात करें, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा? ठीक है, अगर इसके मोलर द्रव्यमान की बात करें तो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 98.079 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अगर देखें कि ये दिखने में कैसा होता है, ठीक है, अगर हम इसको पहचानेंगे कि इसको देखने में कैसा होता है तो ये देखने में क्लियर कलरलेस होता है। ठीक है, क्लियर कलरलेस होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें गलनांक की, ठीक है, तो गलनांक जो होता है इसका क्या होता है? सॉरी, गलनांक, ठीक है, इसका गलनांक जो होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सेल्सियस में होता है 10 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में देखें तो 283 केल्विन होता है। ठीक है, 283 केल्विन होता है। अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगला अगर हम इसमें देखें क्वथनांक की बात करें इसकी, अगर हम इसके क्वथनांक की बात करें, ठीक है ना, तो क्वथनांक क्या कितना होता है? 337 डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, कितना होता है? 337 डिग्री सेल्सियस में होता है, और 610 केल्विन में होता है। ठीक है, 610 केल्विन में होता है, और 639 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें? सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो इसमें देखेंगे जो हमारा ऑप्शन रहेगा, हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा वह क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप देखेंगे तो माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे तो माइक्रोस्कोप की खोज जो है वो कहां हुई थी और कब हुई थी? ठीक है, तो माइक्रोस्कोप की खोज नीदरलैंड में हुई थी। कहां हुई थी? नीदरलैंड में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1600 में हुई थी, सन 1600 में हुई थी। और किन्होंने करी थी? ठीक है, किन्होंने करी थी? वैज्ञानिक जैनसन ने। ठीक है, वैज्ञानिक जैनसन ने, वैज्ञानिक जैनसन ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों कृपया करके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियोस और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये दोस्तों, तो आप जरूर पूरी लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। अच्छा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जय हिंद।